ये आदमी इस घड़ी के अंदर में रहता है जो लंदन शहर में है, जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि इसके अंदर एक आदमी समय बना रहा है और समय को मिटा रहा है। दरअसल इस घड़ी को डच डिजाइनर मार्टिन बास ने 2009 में बनाया था, और यदि आप इस घड़ी को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस आदमी की हरकतें नकली नहीं लगती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नकली नहीं है, लेकिन असली में भी इसके अंदर नहीं है। दरअसल ये आदमी 12 घंटे तक कैमरे के सामने इस घड़ी की सुइयों को मिटाकर उसे फिर से बनाता रहा, और बाद में उस वीडियो रिकॉर्डिंग को इस घड़ी के अंदर डालकर इस स्टेशन में टांग दिया, जहां से प्रतिवर्ष 15 मिलियन यात्री गुजरते हैं। इसके पीछे के कलाकार के पास दुनिया भर में कुछ अन्य घड़ियां भी हैं जो इतनी ही विचित्र हैं।